दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड बीसी। तो दोस्तों आज का वीडियो ना बहुत ही खास है और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही बेहतर जानकारी देने वाला हूँ। ये मान के चलिए दोस्तों ना, जो लोग जैसे बहुत सारे किसान भाई अभी तक मैंने देखा है कि उनको ना कोई चीज़ के बारे में जानकारी नहीं। पहली चीज़ ये होता है कि किसान को जानकारी का अभाव, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होता है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार ट्राई किए, दो बार ट्राई किए, इसके बाद वो घबराने लगते हैं। तो इस तरह से मतलब आपको किसी भी काम को अगर करना है दोस्तों, तो जब तक आप किसी काम को 100% नहीं देंगे वो काम आपका नहीं होगा। वो ऐसा नहीं है कि कोई यही है, चाहे वो ब्रॉयलर फार्मिंग हो या आपका कोई अपना निजी काम हो। तो इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है, आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा है दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि अभी अगर किसान भाई चाहें तो उनको क्या क्या चीज़ों का फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे किसान भाइयों ने मेरा नंबर मांगा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अजय भाई अपना नंबर दे दीजिए, अपना नंबर दे दीजिए। तो आज देखिए नंबर तो मैं दे दूं, और जो लोग मुझसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं मुझसे, उन लोग के पास नंबर भी है, ठीक है। मैं नंबर अदर सब सबके लिए डालता हूँ, लेकिन यार मैं इतना परेशान आ जाता हूँ लोगों से कि क्या बताऊँ। क्योंकि दोस्तों इतना मैं फ्री नहीं हूँ जितना लोगों को लगता है। मैं जिस टाइम पे बोलता हूँ कि इस टाइम पे फ़ोन करना, उस टाइम पे उनका फ़ोन नहीं आता है। और उनका फ़ोन जब आएगा, जब मैं कोई ऐसे काम में लगा रहूँगा। एक बंदा ना मुझे कहता है कि शाम का टाइम था और रात में हम कहीं अपने फार्म पे मतलब बीमारी लगी थी, तो वहाँ पे मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था। वो कहता है कि अरे यार यूपी बिहार वाले तो ऐसे हैं वैसे हैं। भाई देखो, हम लोग नंबर इसीलिए नहीं देते हैं कि आप लोग ये नहीं समझोगे कि आप एक काम करने वाले हो। हम लोगों ने एक स्पेशल टाइम बना रखा है, आप शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आप जो चाहें, जो मर्ज में आए वो बात करिए मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन आप ना तो सुबह देखते हो ना दोपहर देखते हो। और मैं बता दूं दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फार्म के अंदर ही बैठा रहता हूँ, मैं बाहर भी चलता हूँ। बाहर मैं किसी ऑफिस में रहता हूँ, वहाँ पे भी आप लोग फ़ोन करते हो, फिर मैं बोलता हूँ भैया मैं कहीं बाहर हूँ, बिजी हूँ, 10 मिनट बाद बात करेंगे या 1 घंटा बाद, 1.5 घंटे बाद, जो टाइम मैं देता हूँ। फिर उस टाइम पर नहीं करके मैं, क्योंकि मैं वो टाइम निकालता हूँ कि हो सकता है अभी उन लोगों का फ़ोन आएगा, तो उस जो मैं टाइम जब बहुत फ़ोन आने लगते तो उसमें टाइम निकाल के मैं फ़ोन उठाता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं उठाता हूँ। तो दोस्तों खैर, तो ये बातें हो गई, ये तो चलती रहेंगी। और मैं अब आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। देखिए आज का वीडियो पूरी तरीके से मछली पालन के ऊपर होने वाला है, और मछली पालन पे क्यों होने वाला है ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी ना मैं ऑनलाइन करा के और सब पूरा सब कुछ काम करके आया हूँ, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को भी बताऊँ और आप लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। भाई देखिए आज तक मेरा रिकॉर्ड है दोस्तों, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो मैं अकेला कर लूँ और अपने दोस्तों को ना बताऊँ, मैं सबको बताता हूँ। ये देखिए ये वाइटनर है, कल ही ज़रूरत पड़ी, ख़रीदना पड़ा मुझे। और ये आप देख सकते हैं ये गोंद है, फोटो वगैरह चिपकाने के लिए इस तरह की एक फाइल कवर होनी चाहिए। ये देखिए ये फाइल कवर है, और इसमें ना बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आपका खेत का डॉक्यूमेंट जिसको खेतौनी बोला जाता है हमारे यहाँ की भाषा में वो, और आपको एक पेपर मिलता है जिसको आपको फिल करवाना होता है। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये पेपर है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इसमें मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको फायदा होता है, ये भी चीज सुनिए। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, मत्स्य भवन, संख्या अतना अतना अतना, पोस्ट हैदराबाद, और ईमेल आईडी। अब इस पे दोस्तों ना आप लोगों को क्या करना होता है, इस तरह का एक फार्म मिलता है, इस फार्म को फिल करना होता है आपको। इसके बाद में इसका पूरा बाकायदा ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन करवाएंगे जब आप, तब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जा कर के अपने यहाँ के मत्स्य विकास केंद्र जो होता है, या मछली जहाँ पे आपको मछली के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है, उसमें ले जा कर के आप जमा करेंगे अपने, किसके पास, जो अपना मछली इंस्पेक्टर होते हैं ना, फिश इंस्पेक्टर आपके क्षेत्र के, आपके डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं, वहाँ पे ले जाइए, जमा कर दीजिए। वो लोग आपको बताएंगे भी कि जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ के लिए ऑनलाइन किया है, उसका ये तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले आपको वो ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे। आपको कहाँ जाना है, वहाँ जाके देखिए किस तरह से लोग पहले से, आपसे पहले जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया है, तो वो कैसे काम कर रहे हैं, इसकी बारीकियाँ क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, वो पहले आप सीख लीजिए, क्योंकि आपके पास 4 महीने का समय होता है। जिस दिन आप ऑनलाइन करेंगे उससे लेके आपको 4-5 महीने का समय मिलेगा। जैसे अभी मान लीजिए कि ये जो पोर्टल खुला है, इस पे 2023-24 का जो है ये चल रहा है ऑनलाइन, तो जो किसान भाई अभी ऑनलाइन कराएगा, और हाँ सबसे खास चीज़ ये है दोस्तों, क्योंकि जो सरकारी पोर्टल होते हैं जिसमें ऑनलाइन कोई चीज़ें की जाती हैं, तो वो ना एक लिमिट में होते हैं, उसका जो दिन होता है, जैसे आप कोई भी A to Z अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन अगर आप कोई चीज़ करवा रहे हो तो वो एक निर्धारित सीमा, समय सीमा के अंतर्गत होता है। जैसे अभी 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख के बीच का समय है, इसमें हर एक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर ये समय निकल गया दोस्तों, तो फिर आप आगे चाहे कितना भी कोशिश करें, यह ऑफलाइन का सिस्टम अब खत्म हो चुका है, तो उसमें आप नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। अगर किस तरह से, अगर आप लोग दोस्तों मछली पालन के लिए थोड़ा भी अगर इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो बायोफ्लॉक हो, चाहे वो आरए सिस्टम हो, चाहे तालाब का हो, या कोई भी हो दोस्तों, गजब का आपको छूट भी मिलता है। अगर आप सच में काम करना चाह रहे हैं, और आपने लक्ष्य बना लिया कि भाई ये काम मुझे करना है, इससे मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो दोस्तों इसके लिए सरकार ना आपके साथ खड़ी है। आपको इतना ज़्यादा पैसा देगी सरकार, जिससे कि आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने की ज़रूरत है, आप खुद से बेहतर तरीके से, आपको एक सरकारी वेल ट्रेंड बंदा आके आपको ट्रेन भी कर देगा। तो इस तरह से आप लोगों का मदद हो जाएगा दोस्तों, और आप लोगों का बिजनेस, अगर आप लोगों ने मन से किया काम, तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि इंसान अगर कोई भी काम ना मन से करे, ऐसा नहीं है दोस्तों कि जैसे अभी बहुत सारे लोग क्या है कि बहुत सारी योजनाएं आती हैं, उनका लाभ ले लिए, अपना फॉर्म अप्लाई किए, इसके बाद में उनके पास पैसा आ गया, पैसा आते ही वो लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को खा पी के ख़त्म कर देते हैं, उस पैसे का यूज कहीं दूसरी जगह कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि जो उनको जिस काम के लिए पैसा दिया गया है, उस काम के पर वो 10 पैसा भी नहीं खर्च करते हैं। अब जब वो 10 पैसा भी नहीं खर्च करते हैं, तो होता क्या है कि उनके पास ना जब अधिकारी आता है, देखता है, तो अधिकारी का भी दिल टूट जाता है और सरकार का भी इसमें नुकसान लगता है। तो इस तरह से अधिकारीगण भी बहुत ही सोच समझकर आपका काम करते हैं। अगर आप, वो भी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, आपके चेहरे पे लिखा होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, वो भी आपका मन पढ़ लेते हैं।
तो वो आप अगर करवाएंगे दोस्तों तो आपका पूरा सपोर्ट करते हैं और आपके साथ रहते हैं। तो अभी दोस्तों पोर्टल जो है चालू है और आपके पास 5-6 दिन का समय भी है, तो आप लोग अगर कोई किसान इस चीज़ में थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो वो भाई साहब अपना फार्म जो है ऑनलाइन करा सकते हैं और इस फायदे का लाभ भी ले सकते हो दोस्तों। काफ़ी अच्छा बिजनेस है मछली पालन का और ये ना पूरी तरीके से सरकार आपकी मदद कर रही है, तो आप लोग बेशक इस काम को करिए। और इसमें आपको एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे किसान भाई अभी ये सोचेंगे कि भाई हमें मदद सरकार कैसे करेगी डायरेक्टली, हमें तो कोई भी योजना आती है तो उसके लिए हमें बैंक में दौड़ना पड़ता है। आपको बैंक दौड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अगर अधिकारी को लगा कि आप सच्ची में काम करेंगे तो इसका जो पेमेंट होता है, अगर आपने 25% अगर काम किया है तो डायरेक्ट सरकार आपके अकाउंट में पैसा डालेगी, यानी जो अधिकारीगण है वो आपको आपके अकाउंट में पैसा आता है दोस्तों। इस तरह से लाभ देते हैं, बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आपने सच में मन बना लिया है कि हाँ मुझे ये काम करना है तो ये आप लोगों के लिए विकास का एक द्वार मार्ग है और इस मार्ग पे चलने की ज़रूरत है हमारे देश के युवाओं को। तो अभी आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि पोर्टल चालू है और अपने अपने ज़िले के मत्स्य विभाग में जा करके आप लोग तुरंत इस संपर्क कर लीजिए। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है दोस्तों कि आप लोग जागरूक हो जाइए, क्योंकि हर एक किसानों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है कि कौन सी योजना कब चालू हो जाएगी, ये इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। क्योंकि आप लोग ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुर्गा मछली पालन पे ही जाइए, मुर्गा पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, गाय भैंस हो गया, हर एक योजना के लिए है, तो आप लोग सभी का लाभ ले सकते हो। और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर वो सारी चीज़ें कवर करने पे जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को ये समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।